जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या व्यू हो सकता है। कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी हम लोगों को देखने को मिलेगी, साथ में इन्फोसिस के रिजल्ट्स जो हैं वो कल शाम को आते हुए दिखाई देंगे। तो उसका इम्पैक्ट कितना बाजार के ऊपर पड़ सकता है, निफ्टी कौन से लेवल्स के ऊपर जा सकता है, ग्लोबल मार्केट्स इस वक्त क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो भाई, लाइक किए बगैर कहीं मत जाना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ईरान और इसराइल का वॉर। ठीक है, हमने टेलीग्राम ग्रुप, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारा एक ही ऑफिशियल ग्रुप है, इसके अलावा बाकी सारे कोई अगर ग्रुप है सारे फेक हैं, वहाँ से एग्जिट वगैरह आप कर जाइएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने आपके सामने एक अपडेट रखा था। मैंने आपको बोला था कि नेतन्याहू ने अपना जो डिफेंस फोर्सेज हैं, नेतन्याहू जो इसराइल के चीफ हैं, उन्होंने जो है अपने डिफेंस फोर्सेस को बोला है कि टारगेट ऑप्शंस जो हैं वो ढूंढें टू सेंड अ मैसेज टू जो है ईरान। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोली है। अब वो जो स्ट्राइक होने वाला है वो पोटेंशियल स्ट्राइक हो सकता है तेहरान के ऊपर, जो तेहरान ईरान की राजधानी है, मेन एरिया है, वहाँ की जो मिलिट्री जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर अटैक हो सकता है, या फिर कोई साइबर अटैक, मतलब एक मैसेज सेंड करने की कोशिश जो है वो करी गई है। ये एक लीक जो है खबर होती हुई दिखाई दी थी हमें परसों के टाइम पे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी देश के चीफ हो और आपकी पब्लिक ये चाहती है कि आपके देश के ऊपर अगर अटैक हुआ है और आप सामने से जो है एटलीस्ट कुछ रिटेलिएट करो, तो आप ये चीज़ पब्लिक में तो नहीं बोलोगे कि हाँ बस मैं ऐसा अटैक करना चाहता हूँ जो सेंड अ मैसेज करे। तो ये चीज़ जब हुई वो थोड़ा बैकफायर कर गई नेतन्याहू के लिए, और उसके बाद अब जो है इजरायली मिलिट्री क्लियर बोल रही है कि वो लोग तेहरान पे रिटेलिएट करेंगे। कब करेंगे, किस लेवल का करेंगे, किस क्वांटम का करेंगे, अभी तक कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है कल हो सकता है एक हफ्ते बाद हो। ठीक है, ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान में रखनी है। और इसराइल का जो डिफेंस फोर्सेस है, उन्होंने जो यूएन है उनके सामने जो ईरान मिसाइल्स आई थी, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स आई थी, उसके बारे में भी जो है वो चीज़ें रखी गई हैं कि इतना एग्रेसिव अटैक ईरान ने किया था तो आप कुछ सैंक्शंस वगैरह लगाओ। बहुत सारी ग्लोबल न्यूज़ चलती रहेगी, ठीक है, वॉलेटिलिटी चलती रहेगी। इस वक्त अगर आप देखते हो यूएस फ्यूचर्स फ्लैट है, कल रात को भी अमेरिका फ्लैट था। जो जेरम पावल साहब के कुछ बयान आए थे जिसमें वो थोड़ा हॉकिश थे, एक लाइन में वो डविश थे, क्योंकि उन्हें भी अभी नहीं पता। ठीक है, अगर इकोनॉमी की सिचुएशन ख़राब होने लगती है, ग्लोबल कुछ सिचुएशन अराइज होने लगती है, तो रेट हाइक, रेट कट्स या रेट पॉज का जो पूरा ये सिस्टम है ना, जो लोग सिस्टम एक बना के सोचे हुए हैं कि हाँ इस महीने में रेट कट शुरू हो जाएगा या तब ये हो जाएगा, अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो रेट्स के ऊपर तो आप बिल्कुल भी बेट नहीं कर सकते, हाँ यार रेट जो है इस टाइम पे कट या जो है हाइक या पॉज होगा, ये चीज़ें हैं। अभी के लिए ग्लोबल प्रस्पेक्टिव से डाउ और नैसडैक फ्लैट है, यूरोप बिल्कुल फ्लैट है, 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे है, और जो है एशिया का जो मार्केट है वहाँ पे 2 से 1.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है अलग अलग एशियन मार्केट्स के अंदर। ठीक है, अब अपना क्या सिचुएशन अराइज है, हम लोगों ने डिस्कस किया था डेली चार्ट के ऊपर कि मार्केट जो है एक चैनल का लोएस्ट पॉइंट टेस्ट करते हुए आ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे गया, मार्केट में रिजेक्शन आया, क्या लोएस्ट पॉइंट से अब यहाँ पे बाइंग आएगी। इस वक्त अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं वो 30 से 40 पॉइंट नीचे का गैप डाउन दिखा रहा है। अब कितना होगा, किस क्वांटम का होगा, वो तभी पता चलेगा कि यूएस में आज रात को क्या होता है और अगर कोई ईरान रिटेलिएट करता है तो उस पर क्या रिएक्शन यूएस मार्केट की तरफ से होता है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि अब मार्केट एक मूव देने को तैयार है।
एक बड़ा मूव आइदर साइड मार्केट के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी है इंट्राडे में, बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़ा मूव आपको गैप्स के थ्रू तो मिल रहा है, बट इंट्राडे आपको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है कि आप ट्रेडेबल चीज़ें कर पाओ। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था वो है 22,075 का, 22,075। अगर आप किसी भी वजह से 22,075 के नीचे गैप डाउन कर जाते हो तो वो पहला साइन होगा कि मार्केट में वीकनेस आ रही है, और उसके बाद बाजार जो है मेरे हिसाब से एटलीस्ट जो है 100 EMA को टेस्ट करने आएगा। वो लेवल होगा अपना 21,600 का, ये मिनिमम है। अगर ये चैनल टूटता है तो मिनिमम मैं 21,600 के लेवल तक जो है बाजार को एक बार जाते हुए देख रहा हूँ 100 EMA का, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम मेरे को सपोर्ट भी दिख रहा है। तो ये अब आपको ध्यान रखना है ऑन द डाउन साइड में पोजिशनली। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं। इंट्राडे अगर किसी को लॉन्ग जाना है तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ये गैप हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है, ये गैप है अराउंड 22,225 से लेकर 22,250 का, ठीक है। ये गैप के ऊपर अगर जो लॉन्ग्स हैं, बुल्स हैं, वो सस्टेन करने लगते हैं, इसके ऊपर होल्ड करने लगते हैं, तो हम लोगों को एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जहां पे हम एटलीस्ट 22,425 की तरफ एक बार के लिए अटेम्प्ट करेंगे। तो ये लेवल्स पर आप जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी लेवल्स ड्रॉ किए थे, गैप डाउन खुल गया, ठीक है। एंड में शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी के कारण हुई और थोड़ा ऊपर जाके बैंक निफ्टी बंद हुआ है। अब मेरे लिए जो बैंक निफ्टी में इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अभी के लिए, वो रेजिस्टेंस जो अगर मैं देखूँ तो वो निकल के आ रहा है अराउंड 47,650 का। 47,650 एक बड़ा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। प्रीवियसली यहीं पे जो है वो बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था एंड देन ब्रेकआउट दिया था। जब ब्रेकआउट दिया तो वन साइडेड 2,000 पॉइंट का मूवमेंट आया था। तो अभी भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 47,650 का लेवल। 47,650 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम हम सोचेंगे, वरना यहाँ तक का कोई भी बाउंस ऐसा सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिखाई देगी। ऑन द डाउन साइड में 47,375 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 47,375 के नीचे अगर जो है निफ्टी बैंक ट्रेड करना स्टार्ट करता है वो फर्दर डाउन साइड को एस्केलेट कर देगा, और ये फर्दर डाउन साइड का एस्केलेशन हम लोगों को एटलीस्ट 47,175 जो लेवल है यहाँ तक लेके आएगा, ठीक है। मिनिमम लेवल्स ही रखेंगे, बाकी अगर लेवल्स एक्सट्रीम होते हैं, कोई एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन होता है, वो मैं आपको पता ही है, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसकी आप चिंता ना करें, इन लेवल्स का ध्यान रखें, न्यूज़ पे क्या चल रहा है और किस तरीके से ओपन होता है, बहुत कुछ इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।